Hello everyone, today we are going to take some of the common doubts related to the VIDMC admission procedure. So let's get started. Guys, पहला doubt यही है सबके मन में कि preference list जो है उसमें कौन सा college कौन से number पे रखें. तो आपको क्या करना है, पहले number पे रखना है VIT Vellore को, second पे रखना है VIT Chennai और third पे आपको डालना है VIT Bhopal को. अगर हम ranks की बात करें तो अगर आपकी rank under 500 है आपको Vellore मिलने के chances बहुत ज़्यादा हैं. अगर आपकी rank 500 से 800 के बीच में है तो आपको VIT Chennai मिलेगा. अगर अबव 800 है आपकी रैंक तो आपको भोपाल मिलेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि उनकी रैंक 1600 है 2100 है तो वो जो काउंसलिंग प्रोसीजर उसको आगे फॉलो करें कि नहीं करें. तो यार देखो, ऐसा है कि अभी आपको प्रेफरेंस लिस्ट बोला गया है भरने को, तो इस स्टेप में कोई आपसे पैसा नहीं मांगा गया है. ठीक है, आपकी 1st of July लास्ट डेट है, आप ये वाला प्रोसीजर बिल्कुल भरो, सब लोग भरो जिसको जिसको मेल आया है. आपकी 5th of July को रिजल्ट आ जाएगा सीट अलॉटमेंट का, तो किसको सीट अलॉट होगी किसको नहीं होगी 5th of July को क्लियर हो जाएगा. उस तक भी, उस डेट तक भी आपसे कोई पैसे नहीं मांगे गए हैं. ठीक है, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तब 16th of July के पहले पहले आपको फीस भरनी है, विच इज़ 1,40,000. ओके, ये सारी डिटेल्स मैंने डॉक्यूमेंट में भी मैंशन कर दी है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. ठीक है, तो आपको ये जो ट्यूशन फीस है 1,40,000 ये आपको भरनी होगी 16 जुलाई के पहले पहले. अगर आप ये फीस नहीं भरेंगे तो आपका जो भी सीट अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी, और अगर आप भर देंगे तो आपकी जो सीट है VIT में वो लॉक हो जाएगी. ठीक है, तो जो ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं काउंसलिंग फीस मेरी फंस जाएगी और या फिर मेरा कोई पैसा है जो फंस जाएगा, रिफंड नहीं होगा, तो यार जब तक आपको सीट अलॉट नहीं होगी तब तक कोई पैसा नहीं आपका फंस रहा है, तब तक आप आगे बढ़ सकते हो. उसके बाद अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो नहीं पसंद आया तो आप छोड़ सकते हो. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि VIT में एडमिशन लें कि ना लें. तो ऐसा है, अगर तुम्हारी NIMCET की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, या फिर JNU की तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, या तुम्हारा ड्रीम HCU है, ठीक है, ऐसा कोई कॉलेज तुम्हारी टारगेट लिस्ट में है और तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है तो तुम VIT को स्किप कर सकते हो. बट अभी तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है और तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आगे अच्छे से NIMCET को, JNU को या फिर HCU को, तो तुम बिना सोचे समझे VIT एडमिशन ले लो भाई, क्योंकि VIT जो है बहुत अच्छा कॉलेज है. ठीक है, आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं, आप थोड़ा भी एफर्ट डालेंगे, थोड़े भी सिंसियर रहेंगे तो श्योर शॉट आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा एवरेज पैकेज का, लाइक 7 to 8 lakh का आप आराम से ले लोगे वहाँ पे जाके. बहुत सारी कंपनीज आती हैं, मैंने VIT के प्लेसमेंट के बारे में ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाला था. ठीक है, तो इसलिए VIT ले लो, बहुत सेफ ऑप्शन है अगर आप थोड़ा भी डाउट हो आगे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेके, और अगर आप श्योर हो कि नहीं मैं आगे जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसको क्लियर कर लोगे तो फिर आप स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू.